This is an ABP Life podcast. आज का रावण। सुग्रीव अपनी सेना सहित लंका में प्रवेश कर चुका था तथा अब रावण चाहकर भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि शत्रु सेना अब उसके समक्ष खड़ी थी। इधर मेघनाद लंका की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रणभूमि में उपस्थित होता है, तो उधर सेनापति प्रहस्त सेना के सभी सिपाहियों को प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होने का आदेश देते हैं तथा दोनों सेनाओं की ओर से प्रचंड शंखनाद के साथ उस युद्ध का भी आरंभ होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दी 19th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज, और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। हीरे व मोती जड़ित अश्वों तथा हाथियों पर सज्जित सैनिक जैसे उस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे हों। एक और अकंपन अपने रथ पर खड़ा जैसे बाण चलाने को तत्पर खड़ा था, तो दूसरी ओर राम एक अश्व पर बैठ सभी उचित परिस्थितियों का आकलन कर रहे थे। लक्ष्मण धूम्राक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे तो नील प्रहस्त के साथ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों दल एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हों। मेघनाद अपने रथ पर सज्जित अस्त्र शस्त्रों के साथ हनुमान पर आक्रमण करता है। मेघनाद को याद आ जाती है हनुमान द्वारा पूरी लंका को जलाने तथा उसके छोटे भाई अक्षय कुमार के वध की वह दुखद घटना। हनुमान व मेघनाद के बीच भीषण युद्ध होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों ही एक दूसरे से अधिक बलशाली हों। समय बीतने के साथ हनुमान यह समझ चुके थे कि मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं है, अतः उसे युद्ध में पराजित कर पाना इतना सरल ना होगा। हनुमान युद्ध के बीच ही जैसे तैसे मेघनाद को चकमा देकर राम लक्ष्मण व विभीषण के पास आते हैं। क्या पता विभीषण की मदद से मेघनाद को आसानी से परास्त किया जा सके। विभीषण बताते हैं कि मेघनाद स्वयं गुरु शुक्राचार्य का शिष्य है तथा ब्रह्मास्त्र से लेकर पशुपतास्त्र सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तथा महारत हासिल है। मेघनाद ने एक बार देवताओं के राजा इंद्रदेव को परास्त कर उसे बंदी बना लिया था। तब स्वयं ब्रह्मदेव के आग्रह पर मेघनाद ने इंद्रदेव को मुक्त किया। तभी से मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। उसे मायाजाल में महारत हासिल है। वह अपने पिता रावण से भिन्न है। उसे सही व गलत का उत्तम ज्ञान है, परंतु केवल अपने पिता धर्म व राष्ट्र धर्म के कारण वह विवश है तथा लंका की ओर से युद्ध लड़ रहा है। मेघनाद को हराना यदि मैं असंभव कहूं तो वह भी कम होगा। विभीषण की वह बात सुनकर सभी हैरान व परेशान से हो जाते हैं, परंतु प्रभु राम एक साहसी योद्धा की तरह लक्ष्मण को भीषण से भीषण शस्त्रों के साथ सज्जित होने का आदेश देते हैं तथा विभीषण को आश्वासन देते हैं कि शत्रु भले ही कितना बलशाली क्यों ना हो, परंतु जीत केवल सत्य की ही होती है। और इसी के साथ राम व लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ मेघनाद पर आक्रमण कर देते हैं। जवाब में मेघनाद भी बलशाली शस्त्रों से उन पर हमला करता है। दोनों दलों के बीच घमासान युद्ध होता है, परंतु कोई भी हार मानने को जैसे तैयार ना था। थोड़ी ही देर पश्चात जब मेघनाद यह समझ गया कि राम में लक्ष्मण को हरा पाना सरल ना होगा तथा उन्हें साधारण अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना असंभव है, तब उसने नागपाश अस्त्र पूरी ताकत से राम व लक्ष्मण की ओर साथ दिया। उस अस्त्र से हजारों की संख्या में विष से भरे नाग व सर्प निकलकर
राम व लक्ष्मण की ओर संचलित हुए। दोज थाउजेंड्स ऑफ वेनमस स्नेक्स इंटेंगल्ड राम एंड लक्ष्मण, मेकिंग देम इनकैपेबल ऑफ मूविंग और एस्केपिंग। इट सीम्ड एज इफ देयर बॉडीज हैड बीन फ्रोजन। उनकी वह दशा देख मेघनाद को यह आश्वासन तो हो गया कि राम व लक्ष्मण दोनों मारे जा चुके हैं। अतः वह गर्व के साथ पुष्पक विमान में बैठ वापस लंका लौट गया। जैसे ही वह लंका वापस लौटा तो उसने देखा कि मृदंग व नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। प्रसन्नचित वह अपने पिता रावण के कक्ष में पहुंचा तथा युद्ध का पूरा वृतांत रावण को बता दिया। उसने बताया कि किस प्रकार उसने राम व लक्ष्मण दोनों का नागपाश अस्त्र की सहायता से वध कर दिया। पूरे वातावरण में जैसे उल्लास की ध्वनि थी। सभी दूसरे प्रजागण व सेनापति सभी प्रसन्न थे, परंतु रावण के मुख पर वह प्रसन्नता व संतोष ना था जिसकी मेघनाद ने अपेक्षा की थी। मेघनाद के पूछने पर रावण ने उसी से पूछा कि क्या उसे पूरा भरोसा है कि राम व लक्ष्मण मारे जा चुके हैं या यह केवल उसकी एक कल्पना है। बिकॉज रावण वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट इट वॉज सो ईजी टू इवन डिफीट राम, लेट अलोन किल हिम। परंतु मेघनाद के बार बार कहने पर रावण को यह यकीन हो गया था कि राम व लक्ष्मण मारे जा चुके हैं। तो क्या रावण का वह भ्रम ही रह जाएगा या सच में प्रभु राम व लक्ष्मण का वध हो चुका था, जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को। आज का रावण। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।